हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग घन तथा घनमूल एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट या प्रश्न संग्रह 3.3 जो आठवीं कक्षा का मैथ्स है, महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र स्टेट का, तो इसमें मैं इसके पहले वीडियो बनाकर डाला हूं आपके सामने है कि हम घन कैसे निकालते हैं और घनमूल कैसे संख्या को समझ लेते हैं मौखिक रूप से। बिल्कुल देखा, एक मिनट में आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें वहां जो मैंने चार्ट बनाया है आप देखेंगे तो हर एक संख्या 10 के अंतराल पर आ रही है। यदि इकाई का अंक घन वाली संख्या का 1 है तो वो संभावित संख्या घनमूल में 1 होगी, 11 होगी, यानी 1 11 के बीच में 10 का अंतर है, 21 होगी। तो हर संख्या के 10 के अंतराल पर घनमूल वाली संभावित संख्या आपको मिलेगी। तो इसमें आपको एक फायदा है कि बीच में जो 5 आता है, 5 वाली संख्या, उससे नहीं मतलब, उससे मतलब केवल वर्ग मूल में था, घन मूल में नहीं। बस 10 के अंतराल पर आपको देखना है कि 1 है तो या तो 1 का घन मूल होगा, 11 का होगा, 21 का होगा, 31 का होगा, 41 का होगा। तो उस तरह से आप वीडियो में बनाया हूं उसमें आप देख लेंगे तो ये संख्याएं आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि इसका घनमूल क्या है। ऐसे आपके प्रश्न संग्रह में संख्याएं दी गई हैं, जैसे देखिए पहला सवाल है घनमूल निम्नलिखित पदों का, संख्याओं का घनमूल निकालो। तो पहला सवाल आपका दिया है 8000, तो 8000 में जब घन है तो ये आपको बताया गया है उस वीडियो में कि 1 0 है, और घन करना है तो उसको 3 0 कर दीजिए। इसके बाद जो संख्या है उसको आपस में 3 बार गुणा कीजिए, उसी को, 3 से नहीं, उसी को 3 बार, तो आपका ये घन हो जाएगा। जैसे अब देखिए 8000 है तो 8000 में 3 0 है, तो 3 0 हमने लगाया, कर्णयस्थ कर दिया ये, और पावर इसको ऑर्डर नंबर 3 यानी कोटि 3 किया और कड़ी में 8 कर दिया, यानी यह आपको साबित कर रहा है कि 8000 का घनमूल निकालना है। इसको हम 8000 के घाते 1/3 भी लिख सकते हैं, तो ये भी साबित करता है कि ये 8000 का घनमूल निकालना है। तो आइए देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ देखिए 8 का घन खंडन किया, अभाज्य गुणन खंड, तो 2 × 2 × 2 3 बार, 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसमें देखिए 1 2 3 3 0 है, तो इसको 10 × 10 × 10 कर सकते हैं, और 3 बार जो 10 है उसका भी हमने अभाज्य गुणन खंड कर दिया। जैसे देखिए 2 × 5 = 10, 1 10 हो गया, फिर 2 × 5 = 10, दूसरा 10 हो गया, फिर 2 × 5 = 10, तीसरा 10 हो गया। तो इस प्रकार से इसका बिल्कुल अभाज्य गुणन खंड हो गया। अब इसमें चूंकि ये घन मूल है तो कोई भी संख्या 1 का कोई भी संख्या हो गुणन खंड में तो वो 3 बार होनी चाहिए। 3 बार जब होगी तो करणी से बाहर करेंगे तो उसमें से 1 बार 1 ही संख्या लेंगे। जैसे अब यहां देखिए 3 बार 1 2 3, तो 3 में से 1 2 यहां ले लिया। फिर आगे देखिए 1 2 3, 3 2 में से फिर 1 2 ले लिया। 5 देखिए 1 2 3, 1 5 ले लिया। तो अभी इसका आप गुणा कर लीजिए, 2 × 4 = 20। इस प्रकार 8000 का घनमूल 20 होगा,
20। दूसरा सवाल देखिए, 729 इकाई का अंक 9 है। तो वीडियो जो मैंने बनाया है ट्रिक पकड़ने का, तो जब इकाई का अंक 9 हो गया तो उस संख्या का घनमूल, इकाई पर अंक 9 है तो उस संख्या का घनमूल हो सकता है 9, फिर 10 जोड़ दीजिए 9 में 19, फिर 9 जोड़िए 29। इस तरह से आपकी संख्याओं का संभावित घनमूल बढ़ता चला जाएगा। अब उसमें आपको ये देखना है कि चूंकि ये इकाई इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा में है, यानी 10 का घन करेंगे तो 1000 में जाएगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है तो उसका 3 जीरो करेंगे, और 1 का घन करेंगे तो 1 × 1 × 1 3 बार करेंगे तो 1 आएगा। इसलिए 10 का घन मतलब 1000 हो गया, 4 डिजिट में आया। ये है आपका 3 डिजिट, तो 10 के नीचे 1 के आगे इकाई पर 9। तो मैं अभी बताया कि 9 इकाई का अंक है तो संख्या या तो 9 होगी घनमूल में या 19 होगी। तो 19 का तो प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि 1000 के नीचे ही है, तो इसका घनमूल आपका 9 आएगा। ऐसे आप देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे, उस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए 729 आर्डर 3 कोट 3 कोट 3 गणित हमने कर दिया, 9 का 9 3 बार आ गया, 9 निकल गया। आगे देखिए तीसरा 343 कर्णी में डाला, इसके इकाई का अंक 3 है। तो अब देखिए जब इकाई का अंक 3 होगा तो उस संख्या का घनमूल 7 17 27 37 10 10 के अंतराल पर। तो यहाँ देखिए 777 = 7। फिर देखिए -512 माइनस है, चूंकि घन है 3 घात है, और संख्या जब ऋणात्मक होगी तो घात 3 या विषम संख्या है, तो वो हमेशा चाहे उसका घनमूल करेंगे चाहे घन करेंगे, विषम संख्या का घात है तो उसका चिन्ह ऋण है, तो हमेशा ऋण रहेगा। संख्या का घात यदि सम संख्या है, संख्या भले ही ऋणात्मक है तो वो संख्या धनात्मक हो जाती। इसलिए अब देखिए ऋण 512 इकाई पर 2 है, इकाई पर 2 वाली संख्या के संभावित घनमूल 8 18 28 38। तो चूंकि ये सैकड़े में है आपके 1 2 3, 10 का घन 1000 होता है, तो 10 के नीचे 1 के आगे इकाई पर 2 है, तो आपको 8, यहाँ देखिए ऋण 8 × ऋण 8 × ऋण 8 = 1 निकाल लिया हमने, ऋण 8 हो गया। इस प्रकार से चौथा देखिए आप -2744 का क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इस तरह हमने इसको लिखा। अब देखिए इसको हमने इकाई पर 4 है आपका, इकाई पर जब 4 है तो ऐसी संख्या का घनमूल कितना हो। अब चलिए ये 1000 में है, 2744 माइनस में है, ओके। तो अब ये 10 का घन हमने क्या किया, क्यूब ऑफ 10 = 1000 एंड क्यूब ऑफ 20 = 8000। जस्ट यू सी हियर 8000। तो अब ये 10 के आगे 20 के पीछे है, इकाई पर इसका 4 है, तो इकाई पर जब 4 होगा तो संख्या या तो 4 घनमूल होगा या 14 होगा, बस दो ही संख्या, या 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 चला जाएगा। तो 20 के आगे निकल गया, 20 का मान तो 8000 आता है घन, तो इसलिए ये 2774 है, 44 है, 4 है, तो 10 के आगे 20 के पीछे यानी 4, तो 14 देख लीजिए
ऋण 14 आ गया आपका, मौखिक कर रहे हैं आपको। फिर आगे देखिए 32,768 इस क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू अंडर रूट 32,768 ऑर्डर नंबर 3 इक्वल टू। अब इसको देखिए इकाई पर 8 है, इकाई पर जब 8 है तो कौन सी संख्या होगी, यानी 2 होगा, क्योंकि 2 का घन करते हैं तो 2 दुनी 4 दुनी 8 इकाई पर 8 आता है। तो 2 12 22 32 42 52 पूरा डिटेल आपको लिख के दिया है हमने। अब इसको देखिए, क्योंकि ये संख्या है 32,000 फाइव डिजिट में आ गई, तो हम अब देखेंगे कि 30 का जब घन करेंगे तो कितना होगा। तो 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, और 27 के आगे 3 जीरो लगा देंगे तो ये 27,000 हो गया। तो ये भी फाइव डिजिट में आ गया, और 4 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4,464,000। ये 27,000 से आगे है लेकिन 64,000 से कम है, तो 30 के आगे 40 के पीछे इकाई का अंक 8 है, यानी 2 हमने कहा 2 12 32 22 32 तो 30 के आगे 32 है, 40 के पीछे 32 है, तो इसलिए इसका घनमूल 32 हो गया। आइए अब दूसरा सवाल, सिंप्लीफाई या सॉल्यूशन हल कीजिए। ये देखिए 27/125 क्यूब रूट निकालना है, 27 का 3 125 का 5, यानी 5 का जब क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5 50 25 25 125, और 3 × 3 × 3 3 × 9 = 27। ये 27/125 का आ गया क्यूब रूट आपका 305। दूसरा सवाल 16/54, ये देखिए क्योंकि ये दोनों आपके 4 16 तो वर्ग में है लेकिन 54 वर्ग में नहीं है, इनका निकालना है हमें क्यूब रूट। तो चूंकि ये दोनों ही सम संख्या है तो हमने क्या किया, इनको 2 से कट किया, डिवीजन किया, तो 28 + 16 एंड 227 + 54, तो ये कट करके आया 8, अब 8/27। देखिए हमने लिखा 8/27, अब 8 है तो 2 का ये घन है, 27 है 3 का घन है, इस प्रकार से उत्तर आपका 2/3 मिला। और इसका लास्ट सवाल देखिए, इफ ऑर्डर 3 अंडर रूट 7 to 9 = 9, यानी क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 = 9, देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 0.00079। अभी देखिए, अब इसमें इसने क्या किया, इसमें 1 2 3 4 5 6 10 लाख से डिवीजन कर दिया क्योंकि डेसिमल में आ गया। तो यहां देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 लास्ट 7 डिजिट्स, तो 10 लाख, 10 लाख से हमने डिवीजन जब किया तो ये पूरा आपका दशमलव डेसिमल नंबर रिमूव हो गया। तो अब देखिए यहाँ इसको हमने 100 100 100 2 2 4 2 6 2 4 6 डिवाइड कर दिया 100 100 में, तो इस प्रकार से ये भी 3 बार हो गया, ये भी 3 बार हो गया, तो एक पार्ट हमने निकाल लिया 9/100 बराबर। अब 9 में 100 का भाग दे देंगे तो 1 0 के बराबर ये 9 हो गया, तो 1 0 बचा, इसके बाएं 0 लगा, डेसिमल लगा, इस प्रकार से 0.09।
तो आपका ये 3.3 प्रश्न संग्रह कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के लिए तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।